ब्रेकिंग ब्रेकिंग ना इसमें बैक साइड में एबीएस लग रहा है कम काम कर रहा है क्योंकि हाँ, गाड़ी स्किड कर रही है मेरी वाली भी गाड़ी स्किड कर रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होगे, बिल्कुल सेफ होगे। गाइस सबसे पहले तो एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपको, सबसे इससे पहले जो वीडियो थी मेरी KTM वाली उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप इसको N160 के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो एक छोटा सा रिप्लाई दे दूँ क्योंकि भाई कुछ लोग दिमाग यूज़ करते नहीं या उनके पास होता ही नहीं, मुझे पता नहीं। भाई मैंने बोला कि जो KTM है वो काफ़ी अच्छी है और पल्सर N160 उसके सामने बच्चा है, तो भाई जाहिर सी बात है ना, अगर मैं उसको कंपेयर नहीं, अगर मैं N160 के बाद KTM Duke 250 राइड करूंगा तो मुझे क्या फील आएगा। जो फील आएगा मैंने बस वही बताया, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या लगता है भाई, क्या ही दिमाग यूज़ करते हैं। पहले तो वीडियो देखो, वीडियो में मैंने कहीं कंपेयर किया भी नहीं, थंबनेल और बस टाइटल में लिखा था कि N160 बच्चा है, तो भाई जब अच्छी बाइक राइड करूंगा तो उसके सामने वो बच्चा ही होगी। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मेरे पास मारुति की कार है, अब मुझे कोई BMW देगा तो मैं राइड करूंगा ना, तो यही बोलूंगा ना कि भाई BMW तो बाप है मारुति का, क्योंकि वो फील अंदर से आता है। इसे कंपेयर नहीं बोलते, इसको दूसरी ब्रांड की तारीफ करना बोलते। जो चीज़ है मेरे पास, अगर सामने वाले के पास उससे बेटर है तो तारीफ करो, तो सेम वही चीज़ थी। बट कुछ लोग होते ही भाई जो दिमाग से थोड़ा सा क्या ही बोला जाए। चलो आते मेन टॉपिक पे। आज आप हमारे पास देख पा रहे हो कि दो पल्सर N160 हैं, एक UP32 और दूसरी UP70। ये लखनऊ की बाइक है और ये इलाहाबाद की बाइक है, सॉरी प्रयागराज की बाइक है, नेम चेंज हो चुका है अब। तो भाई आए हुए काफ़ी दूर से, तो मैंने सोचा भाई एक बार इनके साथ शूट करते, इनका ओपिनियन लेते हैं कि जितनी इन्होंने बाइक चलाई है, बाइक में क्या प्रॉब्लम आई है, बाइक में क्या अच्छा लगा है, क्योंकि भाई मेरे साइड से तो आप लोग काफ़ी बार सुन चुके हो, अब किसी और से भी आपको थोड़ा सा ओपिनियन मिलना चाहिए जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो पाएगा बाइक के बारे में, और ये भी पता चल पाएगा कि जो मैं चीज़ें अपने वीडियोस में बताता हूँ वो किस हद तक सही हैं, लोग उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या उनको भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मुझे इस बाइक में अच्छी लगती हैं। तो सत्यम भाई को बुला। सो ये हमारे सत्यम भाई, ये इलाहाबाद से आए हुए हैं, और भाई पहले तो ये चीज़ बताओ, आपको बाइक का प्लान कैसे बना और कैसे आपने सोचा ये बाइक लेने का? दोस्तों मैंने नीतीश भाई का मतलब चैनल सब्सक्राइब किया था और लेने का बाइक का विचार पहले से आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा रिव्यू देख रहा था तो भाई ने कई गाड़ियों के रिव्यू कर रखे थे, तो मैंने देखा नीतीश टेक बाइकर नाम से जो चैनल था मैं एक सप्ताह तक देखता गया, मैंने इनका जो भी कमेंट और ये सब था मैंने देखा तो एकदम जेन्युइन लगा। फिर मैंने इस गाड़ी को लुक को देखा एजेंसी में जाकर, तो मुझे कुछ ज़्यादा सही लग रहा था, इन्होंने रियल एकदम बताया। कई बाइक की मतलब अलग अलग वीडियोज़ में थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी बताए गए, फिर मैंने देखा और इन्हीं भाई साहब से मैं इंस्पायर होके मैं एजेंसी गया, धनतेरस को मैंने उठाया, जबकि शायद मुझे जहाँ तक याद है सैटरडे था, तो मैंने सैटरडे को पेमेंट ना करके संडे को पेमेंट की और मैंने संडे को बाइक ली। तो भाई कितनी आप बाइक चला चुके हो अब तक? मैंने ऑलमोस्ट अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट सर्विस कराई थी और 1000 के आसपास है, 976 किलोमीटर। और आपको इलाहाबाद में कितने की पड़ी बाइक? मुझे इलाहाबाद में ये पड़ी थी 1,56,000 समथिंग की। सेम प्राइस जो लखनऊ में हमारा है, सेम वही प्राइस है। RTO का तो कोई 19-20 का डिफरेंस होता है और ज़्यादा नहीं होता। अब आते हैं भाई मेन चीज़ पे, बाइक पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या क्या लगी आपको? मैंने इस बाइक को जिस दिन लिया, मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो मुझे इसमें थ्रॉटल जो अदर बाइक के कंपैरिजन में जैसे TVS देख हाँ। ले या कोई 160 की रेंज में देख ले तो उसमें थ्रॉटल थोड़ा सा पिकअप वाली प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी सी कम है, 19-20 कम है, लेकिन उतना मैनेजेबल है, क्योंकि ये अफोर्ड कर सकते हैं ना, जो गाड़ी बहुत महंगी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा 20-25 हज़ार लगा के जाते हैं तो थ्रॉटल अच्छा मिलता है, हाँ तो वो चीज मैनेजेबल है। और कोई प्रॉब्लम आई? हाँ एक प्रॉब्लम मैंने कंटिन्यूअसली नोट किया है कि जब भी मैं इसमें थ्रॉटल देता हूँ, तो मैंने जब भी बैक ब्रेक ली या फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक यूज़ की, तो मैंने देखा कि गाड़ी का जो टायर है ना वो स्किड करता है कई बार, ये मैंने कंप्लेन भी दी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं है, पहली सर्विस आप कराएंगे तो मे भी सॉल्व हो जाए, लेकिन इसको मैंने कल ही इमामबाड़ा में फिर से देखा तो वहाँ स्किड कर रही, अब हो सकता है वहाँ वो रोड थी, टायर का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है टायर का भी इशू हो, क्योंकि भाई की बाइक में ना MRF लगे हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही मिशलिन लगवा रखे हैं, अगर चाहता तो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि 140 विड्थ दे सकता था 140 mm का, लेकिन फिर थोड़ा सा वो टॉप स्पीड और माइलेज हल्का सा और ड्रॉ हो जाता है, जब स्पोर्टिंग लुक अगर दे रहा है तो कुछ तो कंसीडरिंग मुझे दे लगता है कि देना चाहिए बजाज को। बाकी चैन वाली प्रॉब्लम आपकी बाइक में आई? हाँ, चैन और साउंड दो प्रॉब्लम तो भाई चैन वाली सब में है, इसमें जो अंडर बेली एग्जॉस्ट था वो देख के मैंने लिया और डुअल ABS था वो, वो तो मेन तो डुअल चैनल ABS है, मैंने साउंड की वजह से लिया जो कि बाद में ऐसा मुझे फील हुआ कि कहीं कहीं लैग कर जाता है, चेंज हो जाता है कभी कभी, कभी कभी लगता है कि यार मैं सुपर स्प्लेंडर चला रहा हूँ क्या या स्प्लेंडर
जैसी साउंड आने लगती है। चैन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई या नहीं? नहीं, चैन वाली तो अभी फिलहाल सॉल्व हो गई है, सही हो गई है, उनको मतलब बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं। और मेन सबसे अच्छा क्या लगा बाइक में? बाइक में सबसे जो बढ़िया लगा, मैं बजाज चेतक लेने गया था, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन जब जो KTM के शोरूम पे आ रही है, अब मैं लौट रहा था तो मैंने इसका फ्रंट लुक देखा, मुझे प्रोजेक्टर लैंप इतना प्यारा लगा, फिर मैंने इसके बारे में गाड़ी में मतलब सारे डिस्क्रिप्शन देखे तो मुझे समझ में आया कि गाड़ी में वाकई में दम है। फिर मैंने इसके टेस्ट राइड लिया तो मुझे ये लगा अगर जिसको रेस वगैरह करनी है वो 250 वाली रेंज में जा सकता है, वो बेस्ट है, और अगर सिटी में ड्राइव करना है तो ये बेस्ट लग रही थी। आपको लुक भी मिल जाता और मेन तो हेडलाइट की जो क्वालिटी है, रात में अगर आप राइड कर रहे हो ऐसा फील नहीं होगा आपको कि आपको थोड़ा सा अलग से और पावरफुल लाइट चाहिए, काम चल जाएगा। काम नहीं, अच्छा चलता है प्रोजेक्टर, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए 125 या 100 सीसी से स्विच करेगा ना तो वो एकदम सेटिस्फाइड रहेगा इस बाइक से। यहाँ तक कि आपकी R15 में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मतलब हेडलाइट तो भाई आप सभी को पता है, अगर ये TVS अपाचे 160 को बीट कर सकती है तो अपने सेगमेंट की तो किंग है हेडलाइट के मामले में। बाकी मीटर वगैरह तो है ही अच्छा। हाँ, डिजिटल मीटर इसमें कंसोल, इसका जो एनालॉग मीटर दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग बनाता है इसके डिजिटल के कॉम्बिनेशन के साथ, और ऊपर से जब भगाओ ना तो जब वो निडिल ऊपर जाती है भाई वो अलग से फील देती है, वो फील देती है। धूम मूवी देखी होगी आपने ना, तो वो तब से मुझे तो भाई ये काफी ज्यादा पसंद आती है, मुझे फुली वाला तो नहीं पसंद आता। तो ओवरऑल आप पूरा सेटिस्फाई हो बाइक से? हाँ, मैं बाइक से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा इशू लगता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा जारी करना है, आप जैसे KTM में जा सकते थे या 250 की इसकी जो है वो भी आप ले सकते थे। और जो मैंने रिव्यू वगैरह दिए थे वो जेन्युइन है? बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मैंने सेम प्रॉब्लम फेस की जब चैन वाली, सबसे पहले मैंने आप ही की देखी। हाँ। तो मैं एक बार मन में बना रहा था कि शायद ना लूं यार, चैन है आए दिन प्रॉब्लम होती है, एक भाई साहब की और मैंने देखी थी तो सेम उनके साथ भी यही दिक्कत थी। नहीं, काफी लोग कहते मेरी बाइक पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, आप झूठी वीडियो बना रहे हो, आप बजाज को डिफेम कर रहे हो, 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। अपना कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो एक वीडियो बनाई है UP70 प्रो राइडर पे, आप चेक कर लेना भाई के चैनल को, मैंने बनाया कि हमारा जो प्यार है हमारा बजाज। बिल्कुल बजाज, इसलिए प्रमोट भी कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, लेकिन बजाज अपने देश की वो है शान है, टाटा जैसे अपने देश की शान है वैसे बजाज। और मैंने भाई पैसे लगाए तो बताएंगे भी ना कि क्या प्रॉब्लम आई है, जैसे कोई नेक्स्ट आदमी अगर किसी आपको ही लेना हो तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि प्रॉब्लम आई और सोल्यूशन क्या है उसका। तो प्रॉब्लम इसलिए बताई जाती है, ऐसा नहीं है डिफेम करने के लिए, उससे ये भी होता है कि भाई कंपनी का अगर बाई चांस कोई बंदा देख रहा हो उसको पता चल गया, उसने सोल्यूशन खोज लिया, तो प्रॉब्लम बताने का ये मोटिव होता है। ये नहीं होता कि बाइक को डिफेम करो, क्या डिफेम कर पाएंगे भाई, गिनती के तो सब्सक्राइबर हैं अभी, और हम अगर कंपनियों को अगर मेरे जैसे डिफेम करने लगे तो फिर तो भाई हो चुका कंपनी का। अब दोनों बाइकों में ना आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। सो अब भाई जा रहे हैं बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने, जिससे अच्छे से आइडिया हो पाएगा कि ये टायर वगैरह कुछ इम्पैक्ट डालते हैं या नहीं। बाकी भाई जो भी होगा ना बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू लूँगा भाई से, ये नहीं कि भाई इनको मैं सिखा दूंगा। बाकी देखो भगा तो रहे हैं, अभी उतनी नहीं भगा रहे, वरना भाई मैंने कहा था भाई अच्छे से भगाओ बाइक को। बाइक कैसी लगी चलाने में? 6,000 साढ़े 6,000 7,000 मान लो अब तो। भाई मेरे को ना इस बाइक का जो पिकअप है वो बहुत अच्छा लगा, सर्विस का कुछ ना कुछ तो फर्क आया है, चेंज है लगा। हाँ, पिकअप इसमें तेज है। और ब्रेकिंग? और ब्रेकिंग ना इसमें बैक साइड में ABS लग रहा है कम काम कर रहा है, क्योंकि हाँ, स्किट कर रही है मेरी वाली भी। हाँ, गाड़ी स्किट कर रही है, टायर स्किट हो रहे हैं, टायर अच्छे हैं। हाँ, टायर इसमें मतलब वो नहीं है कि स्किट कर रही है, इसमें ब्रेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है जो ABS का कॉन्सेप्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, वो ब्रेकिंग पीछे वाली थोड़ी स्लो है ना। हाँ, स्लो है। हाँ, और टायर कैसे लगे? टायर तो अच्छे हैं, ग्रिपिंग जो है टायर वो बढ़िया रोड पकड़ के चल रहे हैं, मतलब ग्रिपिंग अच्छी है, बस ब्रेकिंग स्लो लगी आपको थोड़ा सा अपने वाली से कंपेयर करने पे। मेरी गाड़ी ना जैसे टर्निंग लेते हैं या कुछ लेते स्किट कर जाती है, ये वैसी स्किट नहीं कर रही है, ये ग्रिप है लेकिन इसमें ब्रेकिंग में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, स्लो लग रही है। सो भाई मैंने सत्यम भाई वाली बाइक अच्छे से राइड कर ली, ब्रेक टेस्ट वगैरह दोनों को अच्छे से कंपेयर कर लिया। पहले मैंने सोचा था कि एक ब्रेक टेस्ट कंपैरिजन पे वीडियो बना लूँ, बट मुझे उतना लगा नहीं कि बनाने की नीड है। एक्चुअली जो इनकी वाली बाइक है ना थोड़ा सा पंच ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने कहा कि पीछे वाली ब्रेकिंग का, तो पीछे वाले का नहीं आगे वाले का भी थोड़ा सा पंच ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 19-20 का तो देखो डिफरेंस है, पंच इनका ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे अपने में ना स्टेबिलिटी ज़्यादा लगती है टायर की वजह से, मुझे ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है इनके में। एक बार कहीं कहीं लग रहा था कि बाइक हल्की सी स्लिप हो रही है, तो MRF के टायर हैं तो भाई दोनों में डिफरेंस तो है ही, 19-20 का अंतर है ही। बाकी एक चीज़ थी, इनकी वाली बाइक का हॉर्न थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, वो मेरी वाली का बेकार है, मैंने एक और बाइकों से भी कंपेयर किया है, बट ओवरऑल
सब कुछ सेम है, दोनों ही बाइकें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, बस प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आती है तभी थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो जाता है, वरना दोनों ही बाइकें काफ़ी अच्छी हैं। और यूज़र ओपिनियन भी ले लिया, भाई ने आपको बता दिया कि उनकी बाइक कैसी चल रही है। बाकी आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता ही क्या करना है, प्लीज़ गाइस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।